सब्सक्राइब करें इंडियन टेक गुरुकुल चैनल को, साथ में प्रेस करें बेल आइकन सबसे पहले बेस्ट टेक वीडियोस देखने के लिए। हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एसीआर 110 टैब के बारे में, जो कि दोस्तों एक न्यू टैबलेट लिस्ट हुई है अमेजोन पर। तो इस वीडियो हम जानेंगे क्या यह टैबलेट आपको बाय करनी चाहिए या फिर आपको इसको इग्नोर करना चाहिए, सारी की सारी डिटेल्स वीडियो में। चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी डिस्प्ले से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है 10.1 इंच की एक फुल एचडी प्लस आईपीएस पैनल। तो दोस्तों डिस्प्ले तो यहाँ पर अच्छी खासी दी गई है, जैसे एज यूजुअल आपको में डिस्प्ले देखने को मिलती है, वैसे यहां पर आपको 10.1 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है और यहां पर आईपीएस पैनल देखने को मिल जाता है। तो अगेन यहां पर जो कलर्स और कॉन्ट्रास्ट वगैरह है वो काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले तो एसीआर वालों ने यहां पर अच्छी प्रोवाइड की है। बाकी दोस्तों बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहां पर आपको मीडियाटेक की तरफ से आने वाला 8766 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों एक क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। जो प्रोसेसर है A53 कोर्स के ऊपर बेस्ड है और क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, ऑक्टा कोर नहीं है, ध्यान सुनिएगा, क्वाड कोर प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप बेसिक काम तो काफी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हैवी मल्टीटास्किंग वगैरह करने की कोशिश करेंगे, 3 से 4 एप्लीकेशन एक साथ यूज करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है उसे लोड करने में, उसको यूज करने में आपको थोड़े से लैग सेटर्स देखने को मिल जाए। बाकी दोस्तों ये कि बेसिक प्रोसेसर आता है मीडियाटेक की तरफ से एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स के लिए, इसे आपको ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा बेसिक आपको परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पर मिलेगी। बाकी यहाँ पर रैम एंड की, तो यहाँ पर आपको 4GB की रैम देखने को मिल जाती है, 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसको आप फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं 512GB तक मेमोरी कार्ड की मदद से। तो स्टोरेज और रैम तो इन्होंने अच्छी खासी दी है, इसकी मदद से आप मल्टीटास्किंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अगेन जो प्रोसेसर है वो इतना अच्छा नहीं है, तो जो कॉम्बिनेशन होगा जिसका बेस्ट आउटपुट निकल कर आ सकता था वो नहीं आएगा। लेकिन ये अच्छी चीज है कि इन्होंने यहाँ पर स्टोरेज को ज्यादा रखा है, कि यहाँ पर आपको 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसको आप फर्दर एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको रैम एंड स्टोरेज देखने को मिल जाती है। लेकिन इसके कैमरास की, तो यहाँ पर आपको बैक में देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल कैमरा, फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है 5 मेगापिक्सल कैमरा। तो कैमरास की क्वालिटी आपको नॉर्मल देखने को मिल जाएगी, बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है, ठीक ठाक सी कैमरा क्वालिटी यहाँ पर दी गई है। तो बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी ऑप्शंस की, तो इस टैबलेट के अंदर आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब आपके घर में 2.4 GHz वाला वाईफाई हो या फिर 5 GHz वाला वाईफाई हो, आप काफी तरीके से यहाँ पर इंटरनेट का एंजॉय कर सकते हैं वाईफाई के ऊपर। यहाँ पर ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी 5.0 भी दी गई है, इसकी मदद से आप अपनी 2 डिवाइसेस ब्लूटूथ वाली एक ही टाइम पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज अच्छी है कि यहाँ पर आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको 4G का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर कॉलिंग के लिए वोल्टी की फैसिलिटी भी दी गई है। तो ये चीज मेरे को अच्छी लगी कि 4G इसके अंदर इंक्लूडेड है, यहाँ पर आपको कोई भी वाईफाई वाला बैंड देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको जो बैंड देखने को मिला है वो वाईफाई प्लस 4G कॉम्बिनेशन में ही देखने को मिलेगा। तो आप दोस्तों काफी तरीके से वॉइस कॉल्स वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पर 4G के ऊपर इंटरनेट का भी मजा उठा सकते हैं। अगर इस टैबलेट की बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 6600 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि दोस्तों इस प्राइस रेंज में जो अदर टैबलेट्स आती हैं उनसे कम है। यहाँ पर जनरली आपको जो अदर टैबलेट्स आती हैं उनमें 7000 mAh की बैटरी या फिर 8000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको 6600 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है। ये आपकी टैबलेट को 4 से 5 घंटा अगर आप नॉर्मल यूज करेंगे तो चला देगी, इससे ज्यादा भी चला सकती है अगर आप लाइट यूज करेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको बैटरी देखने को मिल जाए। बात करें इसकी चार्जिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल जाता है और 10 वोल्ट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको पुरानी टेक्नोलॉजी दी गई है माइक्रो USB की, अब जो सारी न्यू टैबलेट्स आ रही है मोस्ट ऑफ के अंदर आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है। तो यार ये थोड़ी सी डिसअपॉइंट करने वाली बात है। बाकी दोस्तों बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों लेटेस्ट एंड्रॉइड है। ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी कि इन्होंने एंड्रॉइड 10 नहीं दिया है, एटलीस्ट यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो आपको जो भी एंड्रॉइड 11 के सारे फीचर्स है वो यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये चीज मेरे को अच्छी लगी इस टैबलेट में, बस कि यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 दिया गया है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराया गया है और यहाँ पर जो एप्स है वो काफी अच्छे से वर्क करती है। वैसे तो जो जूम वगैरह ऐप है या फिर जो भी बेसिक एप्स है वो तो आप इजी तरीके से चला सकते हैं। तो इस टाइप से कंप्लीट आपको टैबलेट देखने को मिल जाती है एसीआर 110 टैब। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों अप्रोक्स आपको 16,000 रुपीज की अमेजोन पर करंटली सेल हो रही है।
तो दोस्तों इस प्राइस पर मैं बोलूंगा यार ये टैबलेट वर्थ नहीं है। इसकी काफी सारी कुछ चीजें तो अच्छी हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 10.1 इंच की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, बैटरी भी ठीक ठाक सी यहाँ पर दी गई है। लेकिन दोस्तों इसकी जो एक तरह से प्रोसेसर है, जो कि किसी भी टैबलेट का एक तरह से मेन चीज होती है किसी भी फोन का, वो इतना अच्छा नहीं दिया गया है। इसी प्राइस रेंज में रियलमी पैड वगैरह हुआ, लिनोवो K10 हुआ, ये सारी टैबलेट इससे कई गुना फास्ट है। यहाँ पर तो आप नॉर्मल गेमिंग भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं, जबकि रियलमी पैड वगैरह में आप हाई एंड गेमिंग्स भी चला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको इस टैबलेट को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मेरा काम है आपको सारी टैबलेट्स के बारे में बताना, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।